पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का। क्या क्या ले रहे हैं भैया आप? पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का। पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का। हाँ तो गाइज आप देख सकते हैं, हम हैं डल लेक में, कश्मीर में। आप माहौल देखिए कितना प्यारा है, और पानी के अंदर हमें बोट में ये भैया मिले जो कि टिक्का बेचते हैं, पनीर और मशरूम टिक्का। हाँ। और कितना प्राइस रहता है? 350 का पनीर। बढ़िया हमारी, आप मिक्स कर दीजिए, पनीर भी कर दीजिए, मशरूम भी कर दीजिए। भैया कितने टाइम से लगा रहे हैं यहाँ पे ये आप? 9 साल से हो गए। 9 साल से? और 9 साल से ये नाव के ऊपर ही ऐसे ही सेल करते हैं? हाँ। और इसे पकाएंगे किधर? टिक्के गर्म किधर करेंगे? यहीं पे। अच्छा, ये सिगरी है जिसमें कोयला रखा हुआ है। वैसे हमारा इधर पनीर टिक्का खाने का मन था नहीं, बट आप इधर देख सकते हैं ये निशा बैठी है। निशा ने बोला मुझे डल लेक में जाकर पनीर टिक्का ही खाना है, तो इसीलिए हम इधर आए थे। तो भैया 350 में कितना पीस आता है? 24 पीसेस आएंगे 350 में। तो प्राइस तो आपने दिल्ली से भी सस्ते किए हुए हैं, प्राइस भी रीजनेबल है। व्यू तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना प्यारा है। उधर आप पीछे देखेंगे लाइन लगा के हाउस बोट्स हैं जिसमें हम बैठे हैं। ये अपना शिकारा है, साथ में अपनी बीवी है, और यहाँ पनीर अपना लगा दिया गया है। अब भैया निकालेंगे मशरूम, अब साथ में अपनी मशरूम आ गई है। तो उधर देखिए अपना पनीर टिक्का तैयार हो रहा है, और इधर मशरूम ली जा रही है। मशरूम भी अपने 12 पीस आएंगे। हाँ। अरे वाह। तो गाइस पनीर टिक्का तो आप किधर भी खा सकते हैं, लेकिन ये वाले नज़ारे के साथ पनीर टिक्का ये आपको केवल श्रीनगर में डल लेक में ही मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं भैया ने मशरूम वाला टिक्का भी उधर लगा दिया है। कितनी देर में तैयार हो जाएगा भैया? 10 मिनट लगेंगी। यहाँ पे आप देखिए कोयले को इन्होंने थोड़ा सा हिलाया है कि आँच अपनी ऊपर आ जाए, और उसी के ऊपर ये तैयार किए जाएंगे। तो गाइस देखिए इधर अपना ये पनीर टिक्का तैयार हो रहा है, और पीछे से एक और शिकारा जा रहा है। लोग इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, शिकारा में घूमते हैं, साथ में खाते पीते हैं। पीछे से बैक टू बैक शिकारा जा रहे हैं, फैमिलीज अपना एंजॉय कर रही हैं शिकारा में। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से अपने जो टिक्के हैं वो सेके जा रहे हैं यहाँ पे, और इन्हें देख के मुँह में पानी आ रहा है। आजकल हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी वाले टिक्का मिलते हैं, आधे अधूरे सिके सिकाए। यहाँ पे भैया ने बढ़िया तरीके से सेक दिए हैं। तो ये आ गया अपना बिल्कुल गर्मा गर्म पनीर टिक्का, वो भी डल लेक के अंदर। पनीर टिक्का तो वैसे भी बढ़िया लगता है, अब तो इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है। मशरूम भी बढ़िया तरीके से कर दिया है, और आप ये चीज़ देखिए भैया ने बिना बोले ही 2 प्लेट में लगा दिया है। खाने में भी हमें सहूलियत रहे। अब ये क्या चीज़ आ गई भैया? चाट मसाला डाल रहे हैं मज़े होते इसमें। और अब अपनी चटनी आएंगी, तो ये कौन सी चटनी आ रही है? गाजर मूली वाली, माली और दही। गाजर मूली और दही की चटनी आ गई है, ये किस चीज की है? मूली की पुदीने, केवल मूली की है, मूली और दही। तो ये देखिए गाइस अपना पहले आ गया है पनीर टिक्का, लो निशा। ये अपना आ गया है मशरूम टिक्का। पहले निशा टेस्ट करेगी, वो रिव्यू करेगी। दोनों खाते हैं ना, क्योंकि निशा का बहुत मन था। बढ़िया, ये भी टेस्ट करो। मुझे मशरूम अच्छे नहीं लगते। पनीर टिक्का अच्छा है गाइस, मैंने मशरूम वाला ट्राई किया है, टेस्ट बहुत ही बढ़िया। जो मसाला डाला है वो भी चटपटा है, चटनी में मूली का हल्का सा टेस्ट आ रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। प्राइस 350 रुपीज़ है, उसमें ये प्लेट भी भर गई है, ये प्लेट भी भर गई है, तो खाना तो लाजवाब है ही। व्यू आप देख सकते हैं, इधर हाउस बोट्स ही हाउस बोट्स हैं, पीछे आप देखेंगे पूरी अपनी डल लेक है, इधर भी लोग शिकारा में घूम रहे हैं। तो ये वाली व्यू के साथ खाने का अलग ही मजा आ रहा है। बस थोड़ा सा डर लग रहा है, हमारा का वेट ज्यादा है, मेरा कम है, तो कभी इधर हो रही है तो डिसबैलेंस हो गई है हमारी, शिकारा इधर को झुक गई है, बट मजा बहुत आ रहा है। अगर आप भी कश्मीर आए, डल लेक में आइएगा, यहाँ पे पनीर टिक्का खाइएगा, मशरूम टिक्का खाइएगा, आपको मजा आएगा। और अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वे यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।